तो अभी हम लोग जो है बड़ी परिक्रमा माँ के जब थोड़ा सा अंदर है तो रेलिंग रेलिंग के पीछे जो पर्वत देख रहे हैं यही गोवर्धन पर्वत है। हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और आगे बजरंग बली हनुमान भी हैं, पैर में थोड़ा मट्टी वट्टी लग गया है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर झुक के प्रणाम किया रोड पर, क्योंकि राहुल प्रभु का मानना है कि प्रणाम करना चाहिए। और ऊपर कुछ बना भी है तो ये पूरा पर्वत सोचिए भगवान अपने एक उंगली से उठा लिए थे, तो भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, पूरा पृथ्वी एक उंगली पर मिला सकते हैं, तो पर्वत था छोटा सा लेकिन ये पर्वत लकी था। और हम लोग कह रहे थे परिक्रमा, और पहले हम लोग इस पर्वत परिक्रमा पे कहाँ जा रहे हैं, गोविंद कुंड सबसे पहले जा रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ नज़ारे गोवर्धन पर्वत के। दाने जितना ही अंदर घुसा जाएगा, क्या तिल तिल के दाने जितना अंदर घुसा जाएगा, महीना में दिन में साल में, और धीरे धीरे करके कलयुग के अंत में आते आते जो है खत्म हो जाएगा पर्वत, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये तिल तिल करके अंदर जा रहा है, कलयुग के अंत तक खत्म हो जाएगा, इन्होंने ऐसा बताया, अगर आपको सुनाई नहीं दिया हो। और यहाँ पर कई सारी चीजें हैं परिक्रमा मार्ग के आसपास, लेकिन फिलहाल गोस्वामी जी ने की थी और ये इनका अंकल जी को सब कुछ गोस्वामियों ने किया है, यहाँ पे स्टार्टिंग उन्होंने किया था। तो ये भी परिक्रमा कर रहे थे अपना आराम से ठेला पे बैठ के लग रहा है, तो मतलब आदमी परिक्रमा कर ले चाहे जैसे कर ले, पुण्य कमा ले, समय है तो पैदल भी कर सकते थे हम लोग, कोई वो नहीं है कि 22 किलोमीटर चल रहे थे, समय के बहुत कारण बाइक से कर रहे हैं, बट मौसम भी अच्छा है, इसका मज़ा भी अलग है और भगवान की जैसी इच्छा है वैसा होता ही है। फिलहाल इसमें सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हम भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आगे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान हम लोग का पहला स्टॉपेज है गोविंद कुंड, कधर है भाई वो परिक्रमा मार्ग लिखा है गोविंद कुंड के लिए, पापा किधर जाए, ये जाएगा गोविंद कुंड के परिक्रमा। अच्छी अंकल जी कैमरा देख रहे हैं, कैमरा बहुत लोग देखते हैं, मतलब सेलिब्रिटी हमको एक कैमरा बना रहा है। ओ मिल गया गोविंद कुंड मिल गया, और गोविंद लोग नहा भी रहे भाई यहाँ पे, वाह वाह, अरे सर जंपिंग खेल रहे हैं, जंपिंग जापान, यहीं से आगे निकलेंगे। ओके चलो बाबू, कैमरा है और का है, हाँ वीडियो बना थो मोबाइल पे देखिया, हाँ बताओ इसका क्या मतलब था। अच्छा तो ये हम लोग आए हैं गौरी कुंड के पास, रुके हैं और यहाँ साइड में आपको दिख रहा है ये पूरा गोवर्धन पर्वत है ये, और यहाँ पर किसी भी पे पैर नहीं रखना किसी पत्थर पे, और प्रणाम करना है झुक के लेट के, और यहाँ मंकीज बहुत ज़्यादा है जो कि कैमरा छीनने के लिए आतुर रहते हैं। तो पीछे गौरी कुंड और ठीक इसके सामने ये गोवर्धन पर्वत, और ये परिक्रमा मार्ग है, अभी तो कोई लोग नहीं दिख रहे हैं लेकिन रास्ते में उधर जो पक्की वाली सड़क थी उस पर तो बहुत लोग दिख रहे थे, क्या पता कुछ लोग आगे चल जा रहे हैं, लेकिन मेन परिक्रमा मार्ग राहुल के हिसाब से यही है। और ये कुछ मंकीज हैं जो कि ऊपर कूद रहे हैं तो पानी नीचे आ रहा है। क्या हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग हैं गोविंद कुंड पे, तो गोविंद कुंड पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है सही बताए थे, एक तो ये है कि गोविंद कुंड ही इंपॉर्टेंट है, जो ये तालाब है तो गोविंद कुंड बोलते हैं, एक है ये जस्ट हमारे ठीक पीछे माधवेंद्रपुरी का भजन स्थली, और यहाँ एक ये जो जगह है यहाँ से गोवर्धन पर्वत एकदम पास में दिखाई देता है, गोवर्धन पर्वत सबसे नज़दीक दिखाई देता है यहाँ से बिल्कुल एकदम, मतलब बस लास्ट यही है, यही जगह से लास्ट बिल्कुल दिखाई देता है गोवर्धन पर्वत। सबसे पहले गोविंद कुंड के बारे में जल्दी बता देता हूँ,
जब इंद्र जो है वर्षा करने लगे 7 दिनों तक, और 7 दिनों के बाद उनको लगा कि उन्होंने गलती की है, तो फिर भगवान ने पर्वत रख दिया और फिर इसी जगह पर वो सुरभि को लेकर के आए, और उसके बाद जो है उन्होंने अभिषेक किया भगवान का सुरभि गाय के दूध से। तो उस दिन भगवान का नाम पड़ गया गोविंद, और जो कुंड बना उसका नाम पड़ गया गोविंद कुंड। और जो ये भजन स्थली है माधवेंद्रपुरी, जो माधवेंद्रपुर है पुरी है, वो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु जिनके बारे में बताया था कि जो जिन्होंने 6 गोस्वामियों को भेजा था, चैतन्य महाप्रभु कौन है ये एक और वीडियो में हम लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली वो थोड़ा डिटेल उनके बारे में। तो वो उनकी ये जो है भजन कुटीर है, और उन्होंने जो है एक बार ऐसे ही मतलब बिना खाए पिए भजन कर रहे थे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण खुद ही एक ग्वाल के रूप में आए। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता, इसलिए आपको मैं ये दूध दे रहा हूँ। उन्होंने दूध या खीर कुछ तो दिया था, छाछ शायद दिया था तो पीने के लिए, तो भगवान खुद आए थे उनको पिलाने के लिए। उसके बाद एक बार उनके सपने में भगवान आए और उन्होंने क्या किया, उनका हाथ पकड़ के झाड़ी में ले गए, बोले यहाँ पे मुझे छुपा देगा, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ से मुझे ले कर चलो। तो फिर वो सपने में आया था, तो वो जगह, तो फिर वो जगह पे गए और वहाँ पर उनको एक विग्रह मिला, तो विग्रह श्रीनाथ जी का विग्रह। तो फिर जब उनको स्थापित किया गया, तो फिर एक दिन उनके सपने में बोले कि मुझे चंदन का लेप चाहिए, चंदन का लेप लाना है, और वो पूरी साइड में कहीं से बोले जाने के लिए, तो वहाँ से जाके ले आओ। तो फिर वो गए, और फिर आगे फिर और कथाएँ हैं कि कैसे वहाँ से वो जो है चंदन का लेप ले रहे थे, और फिर रास्ते में आते हैं वहीं एक और श्रीनाथ नाम की जगह है, फिर आपका जो मंदिर है, और उन्होंने बोला कि वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लगा दो, यहाँ पे लगा दोगे तो मुझे वहाँ भी ठंडक मिल जाएगी। तो ये जो है ये माधवेंद्रपुर का माधवेंद्रपुर चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु। हरे कृष्ण। तो अंतिम पड़ाव से हम लोग 17 किलोमीटर दूर हैं, 4 किलोमीटर लगभग आ गए हैं। ये पूरा पहाड़ मतलब गोवर्धन पर्वत है, इधर पर्वत जैसा कम जंगल जैसा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पर्वत बहुत ऊँचा नहीं है। हाँ, उधर गौरीकुंड साइड भी थोड़ा ऊँचा था, गोवर्धन पीछे है, और रास्ता अच्छा बना है, बहुत लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर भी कर रहे हैं, लोग नंगे पैर, तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो ऐसे वो कर रहा है, बहुत लोग ऑटो से कर रहे हैं, बहुत लोग अपनी गाड़ी से कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग तो नंगे पैर पैदल ही कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो भगवान बुलाएंगे तो फिर कभी आएंगे, देखा जाएगा, फिर से किया जाएगा परिक्रमा। फिलहाल यहाँ बंदर बहुत हैं। तो दोस्तों, यही गोवर्धन पर्वत पर लगभग 5 किलोमीटर आ गया है, और एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ख़त्म हो जाता है और शुरू हो जाता है राजस्थान। आप देखेंगे इस बोर्ड पर लिखा है सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त, और यहाँ पर महामहिम श्री जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल हरियाणा द्वारा उनके ऐच्छिक अनुदान से प्राप्त राशि से निर्मित स्वागत द्वार, और ये स्वागत द्वार जो है हमें राजस्थान में एंट्री करा देगा, और राजस्थान सीमा प्रारंभ गौरवशाली राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं राजस्थान में, आ गए हम लोग राजस्थान में, यूपी से राजस्थान एक सेकेंड में, और आगे रास्ता सेम टू सेम वैसे ही है, बगल में गोवर्धन पर्वत है, राहुल प्रभु गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हैं। राजस्थान में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुराइए आप राजस्थान। हाँ, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो राजस्थानी टीवी सीरियल भी देख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समय में तो पूरा ब्रज ही था, बाद में इंसानों ने बाउंड्रीज बना ली, कहीं राजस्थान कहीं उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पूरा दर वो है। इसके अलावा 200 मीटर आगे पुछड़ी का लौटा सैन 14 किलोमीटर, और पोथरा गेट 3 किलोमीटर वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, और यहाँ पर अब जो बोर्ड वगैरह हैं सब पिंक कलर के हैं, मतलब पूरा राजस्थानी टाइप की चीज़ें शुरू हो गई हैं, और ये सानी जुगल बिहारी जी छोटे छोटे मंदिर ऐसे बहुत सारे हैं रास्ते में जिनको हम लोग प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। बाकी राजस्थान जैसा फील आना शुरू हो गया। तो यहाँ पीछे कुछरी का लौटा करके एक मंदिर था, और उसकी मान्यता ये है कि एक भगवान के भक्त थे, जब भगवान मथुरा जा रहे थे इधर से, तो उनको रास्ते में मिले और वो बोले कि नहीं भगवान यहाँ रुके जाइए, तो बोले वापस आऊँगा तो रुकूँगा,
तो भगवान तो मथुरा चले गए, वापस तो नहीं है, लेकिन वो वहीं तब से इंतजार कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए उनका वहाँ मंदिर ही बना दिया गया भगवान का, और फिलहाल यही है कि अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं वो। अब देखिए भगवान कब आते हैं। बाकी बॉर्डर पर किनारे किनारे पूरी रेलिंग लगता है, ए टू जेड पूरी बनी हुई है, और इधर भी पेड़ पौधे हैं, हरियाली हरियाली है, शुद्ध वातावरण नेचर से भरा हुआ। परिक्रमा करते करते हम लोग आ गए हैं, थोड़ा ये गली टाइप का रोड है, प्रॉब्लम है तो रोड 10-15 फीट होगा, लेकिन थोड़ा गली टाइप का है, अगल बगल मकान द्वार बने हैं, और गोवर्धन पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो पीछे के साइड में है। तो अभी हम लोग लगभग आधी परिक्रमा लगभग कर चुके हैं, थोड़ी सी मतलब कम आधे में। तो हम लोग का आधा अगला डेस्टिनेशन है वो भी कुंड है, उधव कुंड, और बाकी उधव कुंड चल के उधव कुंड के बारे में जानेंगे थोड़ी मोड़ी बातें शॉर्ट में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आपको डिटेल में जानना होगा तो मैं कोई लिंक दे दूंगा जिससे आपको उसके बारे में सब पता चल जाएगा, आप पढ़ लेना ना अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। तो हम लोगों का 12 किलोमीटर का परिक्रमा हो चुका है, यानी आधा लगभग हो चुका है, आधा बचा है। हम लोग जहाँ शुरू किए थे दान घाटी वाला मंदिर जो था उसके एकदम करीब आ गए हैं, 700 मीटर पहले हैं, और यहाँ बच्चे और देखिए कैसे देख। तो इन लोगों का डिवोशन देखिए आप लोग, तो यहाँ पर इस जगह का नाम क्या बताएं लेकिन राजा साहब ने नाम रख दिया है। इसका बात ये राहुल पर बताएंगे, बता दो भाई। इस जगह का नाम है चित्र टेका, इसीलिए हजरा भाई ये शायद किसी राजा ने बनवा दिया, बनवाया था। ये लोग परिक्रमा करेंगे वहाँ आराम करेंगे, उसके शब्दों में आराम मतलब अपना तशरीफ को आराम देंगे, तशरीफ रखा नाम इसका पर्यायवाची है, तशरीफ का तो वही मतलब हुआ। अब तुमको ऑड नहीं लगता तो उसमें कोई क्या करे, तुम हिंदी में ऑड लग रहा क्योंकि तुम्हें उसका डायरेक्ट मीनिंग मालूम है। और पीछे कूड़ा फेंका हुआ है, कूड़ा मत फेंका करिए इधर उधर, ये गंदी बात होती है, हम लोग तो बैग में रख लेते हैं और फिर उसके बाद डस्टबिन वगैरह फेंकते हैं, लेकिन कल ट्रेन से मूंगफली का छिलका फेंके थे, लेकिन वो तो जानवर खा लेंगे कोई। चलो चला जाए, तुम्हें आराम, थक गया हो तो गाड़ी में चलाएं, पीछा बैठ के भी थक नहीं, नहीं तो समय का कॉन्स्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट मथुरा चलना है, राधा कुंड चलना है, वो इसी का पार्ट है ना, मतलब ये तो परिक्रमा का पार्ट है ना राधा कुंड के बाद मथुरा, मथुरा के बाद वृंदावन में आज कहीं हो सकता है हम लोग का हिसाब किताब। तो दोस्तों अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, कितना बज गया है, 5:30 साढ़े चार बज गया है, लेकिन जैसा लग रहा है कि 7:00 बज गया है। और अभी हम लोग चूतर टेका नाम की जगह थी वहाँ पर बैठे हुए थे आराम करने के लिए, किसी राजा ने बनवाया था, और फिलहाल हम लोग को एक स्टॉपेज और परिक्रमा में लेना है कम समय को देखते हुए, और उस जगह का नाम है राधाकुंड, और राधाकुंड में होगी, बाकी यही है गोवर्धन पर्वत का पूरा भाग, फिर वो पूरा मंदिर है, फिर उस तरफ का भाग है, और पूरा रास्ता सेम ही है लगभग, बीच में छोटी छोटी मार्केट वगैरह हैं। तो हम लोग आ गए उधव कुंड, परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है ये है उधव कुंड, और इसमें अंदर एक मंदिर बना है उसको मैं दिखाता हूँ।
तो ये उद्धव कुंड मंदिर था, बादल गरज रहा है और यहाँ पता चला कि यहाँ के जो स्वामी जी महंत जी या जो गुरु जी थे वो अभी 25 तारीख को उनका प्रवास हो गया और जो यहाँ बता रहे हैं कि वो 13 दिन पहले ही बोल दिए थे कि अब बस 13 ही दिन मेरे शेष है, 13 दिन बाद मैं प्रभु धाम चला जाऊँगा, गंगा जल लिया, तुलसी ली और बाकी 13 दिन बस हरे कृष्ण नाम कीर्तन करते करते 13वें दिन प्रभु चले गए और अब बारिश शुरू हो गई है। तो कैमरा बंद करते हैं। तो हम लोग वहीं वह दिख रहा होगा आपको उद्धव कुंड, वहाँ से निकले ही थे कि काफ़ी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है। इधर तो थोड़ी कम हो रही है पर थोड़ा आगे और तेज़ हो रही है, मतलब देखने में लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये राहुल प्रभु, ये हमारी उधार ली हुई मतलब किराए पर ली हुई TVS रोडिनो रेडियन और इसका नंबर प्लेट टेढ़ा लुकिंग टेढ़ा ही रहा होगा और बढ़िया चल रही है गाड़ी, सही है। 500 रुपया में एक दिन में मिल गई तो काफ़ी इससे काम हो गया क्योंकि वैसे तो संभव नहीं था, अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा किराया भी लग जाता। और फिलहाल बारिश धीरे धीरे हो रही है, लग रहा बहुत देर तक होगी, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, बने रहिए। पीछे एक दुकान है जहाँ पर हम लोगों ने शेल्टर ले लिया उनके टीने के नीचे क्योंकि कैमरा वैमरा भीग जाएगा। तो हम लोग भीगते भीगाते आगे राधा कुंड, वहाँ से कम 2-3 किलोमीटर होगा, ये आगे कुंड है और इससे पहले ललिता कुंड, श्याम कुंड, चैतन्य महाप्रभु की बैठक, इसी कुंड के किनारे किनारे ये सब है, इसी से जुड़े हुए हैं सब लगभग लगभग। और ये गली है, हल्का हल्का बारिश हो ही रहा है तो देखते हैं कुंड कैसा है, मतलब बहुत अच्छा हो तो मैंने देख लिया है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अच्छा तो दो कुंड आपस में अगल बगल है क्या? अलग अलग अब एक चीज देखो दिखा दो, कुंड एकदम सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा है ना। हाँ। यह राधा कुंड। हाँ। अच्छा मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो। हाँ। और ये जो वाला कुंड है ना। हाँ। ये देखो टेढ़ा टेढ़ा सा। हाँ। हाँ। मतलब श्याम भगवान नटखट और टेढ़े टेढ़े काम करते थे इसलिए। हाँ। नहीं टेढ़े खुद टेढ़े हैं। अच्छा। त्रिभंग ललित, उनका नाम है त्रिभंग ललित। अच्छा। भगवान टेढ़े हैं तो ये जो कुंड है वो भी टेढ़ा है, तो ये भगवान की आकृति का है। अब ये बना कैसे उसका मैं छोटा बता देता हूँ, तुम अगर वाइस ओवर देना चाहो तो वाइस ओवर दे देना और एक दिन जल्दी बताओ। हाँ तो एक सुर था, शायद वत्सा सुर नाम था उसका, थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन है। सुर नाम था वत्सा सुर, वत्सा सुर मतलब वो गाय था, गाय के रूप में, एक राक्षस गाय के रूप में आया था, बछड़े के रूप में आया था। तो उसको जब भगवान ने मार दिया तो फिर राधा रानी ने बोला कि भाई अब आप, तुमने तो मार दिया एक बछड़े को, तो तुमने तो गौ हत्या का पाप लग गया है, गौ हत्या का पाप लगाया तो बहुत गड़बड़ है, जाओ तुमको सब देश भर की, दुनिया भर की सारी नदियों में नहा के आना पड़ेगा। तो हम बोले कि अच्छा, तो उन्होंने क्या किया ना, सारी जो पवित्र नदियाँ थी सबको उन्होंने बुला लिया और बनाया श्याम कुंड, श्याम कुंड में। और उसमें उन्होंने ना लिया, बोला मेरा तो पाप धुल गया, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे ऊपर भी तो पाप लगा है कि तुमने देखा है, तो मतलब कि एक तरह से तुमने साथ दिया तो उसका पाप लगा है, तो तुम्हारा क्या। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, चलो तुम, बोला कि तुमको भी नहाना पड़ेगा जा करके। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वो अपने सब लोग जो राधा रानी थी और उनके सखे थे, अपने कंगन से लेकर के एक कंगन मंगन नहीं, सोने की चूड़ी कंगन से, सोने के कंगन, बंगन से नहीं, सोने का कंगन है ना। आपको बोलना आ नहीं रहा, आप वीडियो बना रहे हो। राधा रानी सोने की चूड़ी से कंगन को खोदा था, कृष्ण भगवान बंसी से खोदा था, बताओ भी बताएंगे हम लोग। मैं क्या बताऊँ, दक्षिणा मिलेगी तो बताऊंगा, सीधी साफ बात है, नहीं तो बताओ। अच्छा। तुम तो दक्षिणा कमा लोगे, इतना टाइम नहीं है। तो वही अपने सोने के कंगन से उसको, इस कुंड को खोदा। तो बाद में फिर भगवान ने फिर हेल्प भी करी खोदने में, और फिर भगवान ने जो है सारी नदियों का आह्वान इसमें भी किया। और नदियों को नहीं किया, गलत बोल रहे हो, नदियाँ भगवान के सामने क्या बेचती हैं, सारे जितने भी दही देवता हैं उनको आमंत्रित किया, नदियाँ क्या तेल लगाएंगे, सही बात है। हाँ तो जैसे देवताओं का आह्वान किया, देवताओं का आशीर्वाद नहीं हुआ आप अकेला क्या कर लोगे। हाँ सही बात है। तो ये फिर पानी कहाँ से आया, पानी नहीं है, जल रूप में कृष्ण भगवान है, जल रूप में राधा रानी है, अच्छा स्वयं महालक्ष्मी सीता जी, जिसके बच्चे बच्ची नहीं होते हैं, गिर जाए अथवा मर जाए, आधे अधूरे हो
दोनों पति पत्नी नहाए 1.25 साल में 100% बच्चे प्राप्ति होती है। ये इसकी कहानी सवाई पंजाबी। तो राधा कुंड हो गया है और राधा कुंड से हम लोग अब निकल रहे हैं। बाल भीग गया है बट बारिश रुक गई है एकदम से, अगल बगल से पानी छू रहा है जो रुका चुका है। और राधा कुंड के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना होगा जो राहुल प्रभु ने बताया। और एक बाबा जी कनेक्ट कर रहे थे राहुल को, कह रहे थे किसी पकड़ आए हो, हम कहे कि अरे अभी उम्र ही कितनी है, आप पूरा जीवन काट दिए तो भी शुरुआत है इसकी। तो चलिए बहुत लोग दौड़ दौड़ के परिक्रमा की जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं, परिक्रमा मार्ग लगभग कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा 1-2 किलोमीटर का, पूरी परिक्रमा हो गई है 22-23 किलोमीटर जो भी है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मथुरा, रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, श्री कृष्ण जन्मस्थली जहाँ पर कृष्ण भगवान पैदा हुए थे तो वहाँ चल रहे हैं। तो वही गोवर्धन का यात्रा तो लगभग ख़त्म ही है, अब वही कृष्ण जन्मस्थली पर मिलेंगे और रास्ते के कुछ दृश्य भी अगर आपको दिखाने लायक मिलेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। बने रहिए चैनल पे। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइए, और कैसा वीडियो मतलब अगर आपकी तरफ से कोई कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जैसे कि जैसे मतलब फ्लो स्टोरी फ्लो अच्छा नहीं लग रहा है, बताए गए तरीके अच्छे नहीं लग रहे हैं, कैमरा एंगल अच्छा नहीं लग रहा है, म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको बताइए, मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा कि वो अच्छा हो और आप लोगों को आगे जाके पसंद आए। प्लस आगे इस ट्रैवल सीरीज रुकने वाली नहीं है, चलती रहेगी, नए नए प्लेसेस को हम एक्सप्लोर करेंगे। आगरा मथुरा वृंदावन दिल्ली हो गया, इसके बाद अब बारी है केदारनाथ की नेक्स्ट। तो जब भी केदारनाथ जो है जाएंगे वहाँ के भी दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर मेरा प्लान अब्रॉड जाने का भी है, मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तो ये सब सिस्टम है, तो बने रहेंगे साथ में, धीरे धीरे इंप्रूव मैं भी करूँगा, मेहनत करूँगा मैं, सपोर्ट करेंगे आप तो हम भी बढ़ेंगे आपके लिए, और आपको तो देखने को मिलेगा एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग। लोग परिक्रमा पूरी करके वापस वहीं से आ गए जहाँ से शुरू किए थे, पीछे दान घाटी मंदिर है और आगे है जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। राहुल का कहना था कि परिक्रमा पूरी करके जब तक आप दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे तब तक परिक्रमा पूरी नहीं होगी। तो राहुल प्रभु देखिए परिक्रमा के बाद दंडवत प्रणाम, उसके बाद हम भी दंडवत प्रणाम कर लें। इस बार दो उठा के क्या मैंने पीछे पे कैमरा सुना ना, जुटवा तो निकाल दो घुमा तो पूरा हो गया, गाड़ी थी जल्दी हो गया, नहीं तो 6 घंटे लगभग लगते हैं पैदल करने में। और हम लोग अपनी अब गाड़ी लेकर के जा रहे हैं मथुरा आगे चौराहे से राइट, और पेट्रोल तो पूछ लेते हैं यहाँ से बड़ी परिक्रमा बता रहा हूँ।